नलकुवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता अपनी निरंतर स्मृति के कारण नारद की कृपा से कृष्ण की श्रेष्ठता को समझ सके। कैसे कृष्ण की श्रेष्ठता समझ में आ गई? निरंतर स्मृति के कारण। क्या स्मृति? क्यों हमको ये वृक्ष का शरीर मिल गया? अच्छे खासे हम तो देव कुबेर के पुत्र थे, एंजॉय कर रहे थे, सारा एंजॉयमेंट एकदम से खत्म हो गया, वृक्ष बना दिए गए। जड़ भरत जब हिरण के शरीर में गए, भगवान की कृपा से उनकी स्मृति बनी रही। क्यों हिरण बन गए? क्यों हिरण बन गए? हम भी अगर ये स्मृति रखें कि हम इस भौतिक जगत में क्यों हैं, निरंतर अगर ये स्मृति रहे, तो कृष्ण की श्रेष्ठता को समझ सकते हैं। इन लोगों ने अपने जन्म के कारण को स्मरण में रखा। मनुष्य की देह मिली है, क्या सुख मिल रहा है? निरंतर संघर्ष, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि। व्याधि तो ऐसी है, एक छोड़ती दूसरी पकड़ती, दूसरी छोड़ती तीसरी पकड़ती है, एक को छोड़ती दूसरे को पकड़ती है। परिवार में एक जना भी अगर बीमार पड़ा हुआ है तो सारा परिवार उसमें उलझा हुआ है। तो नलकुबर और मणिग्रीव, पहली लाइन तात्पर्य की प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नलकुबर और मणिग्रीव नामक दोनों देवता अपनी निरंतर स्मृति के कारण, और स्मृति कहां से आई? नारद की कृपा से। वैसे तो स्मृति किसी की रहती नहीं है। डेथ का मतलब क्या? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। और विस्मृति, पूरी की पूरी जितनी मेमोरी पिछली थी सब खत्म, पूरा भूल जाना, इसी का नाम मृत्यु है। तो नारद की कृपा से स्मृति बनी रही। 36,000 साल तक याद रहा कि पेड़ बन गए। क्यों बन गए? पेड़ बन गए, स्मरण करते रहे। गलती हो गई, हो गई, हो गई, अब क्या करें? फंसे हैं हम लोग, क्या अपनी गलतियां भूल जाते हैं ना। बताया गया है भगवान की अवज्ञा करने के कारण इस संसार में आए हैं। भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे होते, शरणागत होते, तो यहाँ नहीं होते माया के चक्कर में। माया में ताम तरंति थे, जो शरणागत हैं वो सब पार कर गए। जो कि जिनकी शरणागति में कमी है वही लोग यहाँ इकट्ठा हैं भौतिक जगत में। शरणागति के अभाव में हम यहाँ पड़े हैं। शरणागति का अभाव है, अभाव है, अभाव है। इसलिए भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम। ये स्मरण रखना बहुत जरूरी है, निरंतर कृष्ण की श्रेष्ठता समझ में आ जाएगी।